खान का और भला वो खुशखबरी फैंस को ना दे कैसे हो सकता है। जी हाँ, बीते दिनों आमिर खान हुए 54 साल के और 54th बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए आमिर खान ने दी अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी दी उन्होंने अपनी आने वाली एक फिल्म को लेकर, और उस फिल्म को लेकर तैयार हैं आमिर खान एक नए प्रोजेक्ट के साथ सुपरस्टार सलमान खान से भिड़ने के लिए तैयार है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार सलमान की फिल्म भारत का है सबको इंतजार, तो वहीं दबंग के अगले सिक्वल को लेकर भी सलमान की तैयारी है बेहद ही जबरदस्त। और इसी बीच आमिर खान की है तैयारी उनकी अपकमिंग एक प्रोजेक्ट को लेकर, एक फिल्म को लेकर जो कि उनके ही प्रोडक्शन हाउस में बनेगी। भाई ये दिलचस्प खबर आमिर खान ने खुद दी है अपने फैंस को, लेकिन कहाँ, किस मौके पर, आइए इस इंटरव्यू के जरिए जानते हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान ने अपनी तरफ से जो बात रखी है वो लाजवाब है। आमिर खान ने अपनी तरफ से बात रखते हुए फिल्म के बारे में जानकारी दी जो उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और इसके बारे में आप खुद ही सुनिए जो अपने जन्मदिन पर इसका राज खोल बैठे हैं, जिससे सलमान खान की मुसीबत जरूर बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ जाएगी मुसीबत अगर भिड़ंत होगी सलमान आमिर की। सुनिए क्या कहा आमिर ने। सबके टेक्स्ट आ रहे हैं मुझे, सबके फोन और टेक्स्ट आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, मैं बाद में देखूंगा आराम से। हाँ नहीं, सबका देखा मैंने, धीरे धीरे देख रहा हूँ। बर्थडे रेजोल्यूशन मेरा नहीं, मेरा कोई बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं है। फैंस के लिए कोई अनाउंसमेंट है? किसके लिए? फैंस के लिए। फैंस के लिए हाँ, मैंने बोला था। हाँ हाँ, तो मैंने, मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, और उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये लाल सिंह चड्ढा जो है, इट इज़ बीइंग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गंप, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज ऑल्सो विद अस ऑन दिस, वायकॉम इज विद अस, और हम लोग फॉरेस्ट गम का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं, और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा। ये तो अभी आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ लाल सिंह। सॉरी, नॉट डिसाइडेड। वी हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन शुरू हो गई है। हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में, अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा। मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल, सो आई विल बी लूजिंग 20 किलोस। रिलीज अभी तो शुरू होने दीजिए, रिलीज का हम लोग बताएंगे, अगले साल होगी। आई हैव टू बी वेरी लीन एंड स्लिम इन दिस रोल, वेरी लीन एंड स्लिम, सो आई हैव टू लूज अ लॉट ऑफ वेट। वेल, आई ऑलवेज लव्ड फॉरेस्ट गंप एज अ स्क्रिप्ट। इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी अबाउट दिस कैरेक्टर, एंड इट्स अ वेरी लाइफ अफर्मिंग स्टोरी। इट्स अ वेरी feel good film. It's a film for the whole family. It's a wonderful story, so I really like it. Chadda bhi na Punjabi ka actually, Sardar. Ha, Sardar. Aamir, it's really good transformation in fact, like over the look. Sir, you'll be wearing a turban. Yeah, I will be. Well, for part of the film, because the story goes a particular way, so you'll see it in the story. Aamir, aisi charcha tha ki aap Mahabharat ki taiyari kar rahe hain, jo aapka dream project hai. वो आप लोग इसके बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं, मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं इसके बारे में। बहुत बार पैशनेटली हमें बताया प्रोजेक्ट के बारे में, इस वक्त मैं यही कर रहा हूँ, तो आप, मेरा ध्यान अभी इस वक्त सिर्फ इसी पे है, लाल सिंह चड्ढा। नहीं, मैंने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने तो अभी तक एक ही अनाउंसमेंट किया, यही कर रहा हूँ मैं, लाल सिंह चड्ढा। वो उसके लुक पे, जी हाँ, लुक पे काम कर रहे हैं हम लोग, वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग वो प्लान करेंगे। इज दिस द लुक फॉर द मूवी? नो, आई एम नाउ प्रिपेयरिंग फॉर इट। यू ऑलवेज नो, लाइक यू नो, यू गो इनटू द कैरेक्टर, द वे इट लुक्स, एंड वो जो जितना रियल लगे वो आप करते हैं। कोशिश मेरी वो वही रहेगी इस दफा भी। आमिर,
Well, right now, no, but it's a great medium. I also love watching shows on the web. And if something nice comes up, I would love to do it. जी मैंने तो कह दिया, मैंने रिप्लाई किया। सबसे पहले आप सर क्या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सर? मैं किसी के लिए नहीं करता। मैं एक्चुअली कभी किसी को बताता नहीं कैसे वोट करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी खुद समझदार है, वो खुद सोच समझ के वोट करेगा। उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या मुद्दे ज़रूरी हैं हम सब के लिए, मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है, और वो अपने मुद्दे जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनके हिसाब से उनको मद्देनज़र रख के वो अपना वोट देता है। और ज़रूरी ये है कि हमें हर कोई ये वोट दे, हर कोई आगे आए, वक्त निकाले और वोट दे। लाल सिंह चड्ढा विल बी अ लीन कैरेक्टर नाउ लाइक योर यू नो। हाँ, जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं थोड़ा लेजी हूँ, थोड़ा मैं मोटा हो जाता हूँ। लेकिन डाउन करना पड़ेगा। मैं करीबन 20 किलो कम करने वाला हूँ, हाँ, इस रोल के लिए। आमिर वोटिंग की एक बार और बात, 6 महीने का टाइम है। आमिर वोटिंग की एक बार और बात करें कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कभी जॉब की वजह से अलग-अलग जगह चले जाते हैं, उसको भी अब बहुत सारे मीडिया हाउसेस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं उसके लिए आवाज उठाई है। जी I think every Indian should have the opportunity to vote. And अगर कुछ Indians हैं जो हिंदुस्तान से बाहर हैं उस वक्त या travel कर रहे हैं या कोई उनकी और दिक्कत है, शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोच कर कोई उपाय निकालना चाहिए ताकि हर हिंदुस्तानी को मौका मिले कि वो वोट कर सके। क्या उपाय है वो नहीं बता सकता मैं, वो इलेक्शन कमीशन सोचेगा। हर बार हम पानी फाउंडेशन की बात करते हैं, अब मैं काम कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट पर, तो देखते हैं ये फिट होते हैं कि नहीं। मुझे स्क्रीन टेस्ट फिर से देना पड़ेगा। तो वसीला लगा हूँ। वेल, पानी फाउंडेशन का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और ये हमारा 4th साल है। इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है, गांव वाले जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं पानलोड के काम में। और इस साल भी, पिछले साल तो 20,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हुई थी फरवरी और मार्च के महीनों में, और इस साल भी हम सोच रहे हैं कि 20 से ज़्यादा ही होगा। 4,000 गांव ने पिछले साल ट्रेनिंग ली थी, इस साल शायद 7,200। तो वी आर थिंकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो। इस साल नॉर्मली ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग सेशन में 40 लोग होते हैं, इस दफ़ा लोड बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तो 50 लोग हैं हर ट्रेनिंग सेशन में, और ये मुझे रिपोर्ट मिली है। तो एक्साइटमेंट बहुत है गांव वालों में, और हम चाहेंगे कि हर एक गांव पूरी शक्ति अपना पूरा जोर लगा दे इस साल, क्योंकि पिछले साल बारिश अच्छी नहीं हुई थी, और ये जब बारिश अच्छी नहीं होती तो और भी ज़रूरी होता है कि हम पानलोड का काम सही करें। तो जितने ज़्यादा गांव इसमें शामिल होंगे, जितना ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा सभी गांव को होगा। और इस साल भी किरण जी और मैं अप्रैल और मई के महीने में गांव-गांव जाके लोगों के साथ काम करेंगे, जिसे हर साल हम करते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सीखने का मौका भी होता है और हमको बड़ा मज़ा भी आता है। हम आप लोगों को भी न्योता देंगे, आप लोग आइए। 8 अप्रैल से 22 मई तक आप प्लीज आइए, हमारे साथ घूमिए महाराष्ट्र में। या प्लीज कम। इनफैक्ट ऑन 1 मई वी डू अ वेरी बिग महाश्रमदान। तो 1 मई यू ऑल कैन अप्लाई। महाराष्ट्र डे, इट्स अ डे व्हेन एवरीवन इज वेलकम टू कम टू द विलेजेस एंड वर्क, एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करेंगे, दे विल एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू हाउ टू कम, वेयर टू कम, हाउ टू डू। हाँ, पहले गांव, पहले हम लोग रूरल महाराष्ट्र पे ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली द बेल्ट विच इज ड्राउट अफेक्टेड एरियाज जो हैं, डीपीएपी ज़ोन। तो एक दफा वो कवर हो जाए फिर हम सिटीज पे आ सकते हैं। आमिर, एक सवाल, आपने शाहरुख खान को रेकमेंड की थी सारी जहां से अच्छा, अब शाहरुख खान की वो फिल्म नहीं कर रहे हैं जी, अगर फ्यूचर में आपको वो फिल्म दोबारा ऑफर की जाती तो आप करेंगे क्या? अभी तो मैं ये कर रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा, एक वक्त में एक ही कर पाता हूँ। हाँ, आगे का मैंने सोचा नहीं है, आगे का आपका सबसे यादगार बर्थडे? हाँ, एक्चुअली बर्थडे मुझे इतने याद रहते नहीं,
When was that? 2004, 2005 we got married, but we were together in 2004 and 3. क्लियरली मुझे याद नहीं है. किरण जी ने क्या गिफ्ट दिया? अरे आमोस, वो मेरे कमरे में जो पेंटिंग्स रखी है वो लेके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. वेल, तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमिर खान को लेकर. सुपरस्टार आमिर खान ने दी खुशखबरी, तो वहीं सलमान की बढ़ा दी उन्होंने मुश्किलें. सलमान खान की मुश्किलों को बढ़ाकर आमिर खान अब लोगों के बीच एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या वो सलमान से भिड़ंत करेंगे? वाकई में ऐसा होगा तो इस बार बॉलीवुड में काफ़ी धमाका होगा, ये भी जानना है दिलचस्प. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का. लौटेंगे जल्द ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के साथ. देखते रहें, तब तक के लिए आप नेक्स्ट 9 न्यूज़. नमस्कार.